बाद में पैदा हुआ था जो डिस्ट्रिक्ट हजारा में है एन डब्ल्यू एफ़ पी विच इज़ इन पाकिस्तान नाउ और वैसे ही हमारा गांव जो है वो डिस्ट्रिक्ट शेखूपुरा जो पाकिस्तान में उस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जंडियाला शेर खान वो गांव की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि राजा के हीर लिखने वाले शाह उसी गांव के थे फिर हम लाहौर में थे छियालीस में या सैनतालीस के बिगनिंग में तरह तरह के जुलूस निकलने शुरू हुए औरतों के अलग मिले जुले अलग बच्चों के अलग एक जुलूस निकलता था कि लाल किले से आई आवाज़ साइकिल ढिलो शान आवाज़ हमें इसका कुछ पता नहीं कौन है लाल किले में कैद कौन है सैगल साहब कौन है ढिल्लो शाहनवाज़ कौन है भीड़ में शामिल हो जाना है वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया लिया आधा घंटा रोक के ज़रा डांटा और समझाया तो उन्होंने थानेदार साहब ने पिताजी को फ़ोन कर दिया कि जी ऐसा ऐसा है तो रात को सोए हुए थे तो पिताजी कहने लगे तुम क्या बोल रहे थे मैंने कहा जी लाल किले से आई आवाज़ सैगल ढिल्लो शाहनवाज कह लगे कौन है ये सैगल ढिल्लो शाहनवाज मैं कह, जी मैं कैसे जानूँ फिर मुझे उन्होंने सारी कहानी बताई कि आइया ने आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र की तो तीन कैदी हुए थे सैगल ढिलों शाहनवाज जो लाल किले में थे और उनका मुकदमा चल रहा था जिसको भोला भाई देसाई लड़ रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको असिस्ट कर रहे थे शाहनवाज में मिले भी मंत्री बन चुके थे सैगल साहब से मुलाकात नहीं हुई लेकिन उनकी बेटी से हुई थी बहरहाल उसके बाद जो नारे नाराय तकबीर अल्लाह अकबर हर हर महादेव और तलवारें और रस्सी और चाकू और बम फटने लगे और पाकिस्तान बनना है ज़रूरी हो गया मुल्क का बंटवारा ज़रूरी है ये सब कुछ सुला सफाई से हो सकता था बंटवारे होते हैं घरों में भी होते हैं लेकिन इस तरह कत्ले आम नहीं होता मैंने बड़े सीनियर मीडिया पर्सन इंद्र कुमार मल्होत्रा जी का एक आर्टिकल पढ़ा था पाँच छः साल हुए उन्होंने लिखा कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बलोच आदमी को पैसा दिया था ये कत्ले आम शुरू करने का उन्होंने ये भी लिखा था कि नौ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल तो हमारे शेखों पर हमें एक रात को चालीस हज़ार आदमी मार गए हमारे परिवार के सौ से ज़्यादा इसमें मेरा सगा चाचा भी था ये बड़ी भयानक यादें थी मेरे पिताजी अमन कमेटी के प्रेसिडेंट थे गांव से आए हुए लोग मोहल्ले में रहते थे फैक्ट्री में पिताजी के काम करते थे वो अपने घरों को चल दिए सब पहरा दे और कहीं से ख़बर आ जाए कि कत्ल हुआ या दंगा हुआ है तो पिताजी को जाना पड़ता था तो वो एक दहशत और डर जो है बैठी हुई है अब भी कोई ज़्यादा शोर हो जाए तो मैं डर सा जाता हूँ उसके बाद ठीक है कोई लाशों में दबा कोई ख़ून से लत हुआ कोई ट्रेन से पहुँचा कोई छुप के पहुँचा कोई कैसे पहुंचा उसके बाद हम लाहौर से दिल्ली किंग्ज वे रिफ्यूजी कैंप में आ गए जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत बार मिला और बड़ी अच्छी तरह मिला ये हुआ कि किंग्स वे में गांधी जी तशरीफ़ लाए थे ना जाने क्यों उस वक्त कुछ बच्चे या कुछ बड़े भी इस पार्टीशन से खिलाफ़ के घर से बेघर हो गए तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो कुछ हुआ है सिर्फ गांधी जी की वजह से हुआ है तो कुछ पत्थर पत्थरों से मतलब उनका वेलकम हुआ और उन बच्चों में मैं भी शरीक था बच गए इसलिए कि कोई पत्थर मैंने नहीं मारा तो दूसरे दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आना था वो मेरे पिताजी ने और कैंप कमांडर होते थे मिस्टर जैन तो बैठने की जगह तो कोई नहीं थी एक बैरक में हॉस्पिटल बना हुआ था वहाँ मुलाकात हुई अंदर गए तो बातें कुछ होती है नहीं तो मैं भी कहला गया था तो पूछा कि कल महात्मा जी पे कुछ पथराव बच्चों ने किया है कहा जी मैं उनके साथ था लेकिन मैंने पत्थर नहीं मारा कहते हैं ऐसे लोगों का साथ भी छोड़ दो जो पत्थर मारते हैं मार्केट में जो चीज़ कम मिले ना वो याद रहती है इसलिए हम मेरी फिल्मों का नाम ले रहे हैं देशभक्ति ना पढ़ाई जाती है ना सीखी जाती है ये अपने जज्बात हैं अपने इमोशन हैं हो सकता है को पार्टीशन में या अपने पिताजी के रवैये से जो उनका रवैया था मतलब एक शाम को ख़बर मिली कि मेरे चचा उनके सगे भाई छोटे भाई का कत्ल हो गया तो छोटे भाई का कत्ल हो जाए तो आदमी पागल होकर दीवारों से सरे मारेगा और कोई रिश्तेदार नहीं पहचान वाला नहीं पड़ोसी पता नहीं कौन से जगह से आए हैं मुल्तान से आए हैं जेलम से आए हैं किसी तरह दुखी लोग दुखियों की सहायता करते हैं हम बच्चे थे ठीक है खाना वाना खिलाए सो गए तो मुझे तीन बजे उठाया उन्होंने उठाओ और जाके नहाओ कोई बाथरूम बैरिक के साथ नहीं थे कॉमन बाथरूम थे गए नहाया या लाल किले चलना है चलिए तो डेढ़ मील दूर पीजे कैंप से तिमारपुर से बस पकड़नी पड़ती थी चला गया समय पे लाल किले पे पंडित जवाहरलाल नेहरू आए मेरा जहाँ तक मेरी यादाश्त है वो पंद्रह अगस्त नहीं थी वो सोलह या सत्रह अगस्त थी अगर मेरी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा लेकिन इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि वो पंद्रह अगस्त नहीं थी बहरहाल जब पहली बार लाल किले में तिरंगा झंडा लहराया गया तो मैं उन चंद खुशकिस्मत बच्चों में से हूँ जिसने वो अपनी आँखों से देखा और मैंने ये देखा कि जब जवाहरलाल जी भाषण दे रहे हैं क्या भाषण दे रहे हैं ये मेरे भाज भेजे में नहीं आ रहा था लेकिन लोगों के साथ साथ पिताजी भी तालियाँ बजा रहे थे और सब कुछ हंस रहे थे कुछ जो भी हुआ एंड में जय हिंद जय हिंद तो पिताजी भी उतने जोश से मैं इतना हैरान था कि रात को ख़बर मिली देर रात को ये दीवारों से अपना सर टकरा रहे थे और सुबह इस आदमी का रवैया ही बदला हुआ है एक घटना वहाँ घटी धूप होती है पंद्रह अगस्त को थोड़ी सी बारिश भी हो जाती दिल्ली में तो हुमस बहुत थी तो पानी के दो तीन गिलास से भैया जी बैठे हुए थे मैंने पी लिए तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे जो मेरे लिए एक बहुत शौक था क्योंकि हम लोग तो लाहौर में छबील लगाते थे प्यासों को पानी पिलाते थे हमारी संस्कृति में, में भी है कि पानी पिलाना पुण्य का काम है तो टका दो पैसे वाला उसने मांगा तो मैंने पिता से कहा पापा ये तो पैसे मांग रहा है नहीं आज़ादी की छोटी सी कीमत है इससे बड़ी बड़ी कीमतें दे चुके हैं शायद वो बात कहीं सब कॉन्शियस में असर करती रही हो लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान बना और मुस्लिम से कोई नफरत ना हो कोई रिलीजन से नफ़रत ना हो तो लाल किले के, के सामने ही जामा मस्जिद पड़ती भीड़ इधर उधर हो गई वो मुझे जामा मस्जिद के बाहर ले गए थे और कहने लगे हम मत्था टेक ले को ये तो मुसलमानों की कहते ना बेटे जिन्होंने सब कुछ किया वो दी पूजा स्थान सभी होते हैं और मुझे एक लगा कि तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो इसका मतलब नहीं कि दोष दूसरी का भी है तो उसने मेरे में जो एक फंडामेंटलिज्म होता है फंडामेंटलिज्म वालों के मैं बहुत खिलाफ़ हूँ उनका अपना अपना अपनी अपनी मान्यता है इंसान की ज़िंदगी में सरीता चाहिए नदी की तो मैं फंडामेंटलिज्म में या तासुब में या जात पात के झगड़े में नहीं पड़ा। ये इसका क्रेडिट मेरे पिताजी को जाता है अगर मेरे में कुछ प्रेरणा आई किसी बात की तो मेरे हीरो मेरे पिताजी हैं मैंने माँ से या दूसरों से रामायण भी सुनी कृष्ण जी के बारे में भी सुना गुरु नानक देव जी के बारे में भी सुना बचपन में लेकिन जो मैंने खुद पढ़ा इन महात्माओं का इन महापुरुषों की जगह अलग है लेकिन मेरे भीतर एक इंसान था जिसको भगत सिंह बहुत पसंद आया लेकिन उन पर कोई किताब नहीं थी और उससे पहले दो फिल्में बन चुकी थी एक में बड़े सुलझे हुए कलाकार थे जिनको जैसे मुझे आप लोगों ने भारत कह दिया वो रामराज्य के राम थे प्रदीप प्रेमादीप साहब स्मृति विश्वास जी साथ में थी वो फिल्म अच्छी भी नहीं थी और चली भी नहीं उसके बाद एक अच्छे टेक्नीशियन थे विश्राम बेडेकर साहब उन्होंने शमी कूर साहब के साथ बनाई प्रेम नाथ जी टॉप की उस वक्त बॉडी वॉडी चंद्रशेखर आज़ाद वो भी नहीं चली थी लेकिन मेरा शौक़ था मैं दिल्ली से अमृतसर से हिंदू पेपर की लाइब्रेरी में बैठ के उस पर काम करता रहा करता रहा तो स्क्रिप्ट जब तैयार हो गया तो मैंने एक बार मैंने बड़े प्रिय मित्र हैं केवल पी जिन्होंने पब्लिसिटी का एक ट्रेंड स्टार्ट किया था और शुरू शुरू में उन्होंने मेरी तस्वीरें छुपवाने में भी बहुत मदद की वो तो कहने लगे यार मैं पब्लिसिटी तो तंग आ गया मैं मैंने कहा प्रोड्यूस कर लो फिल्म कहना प्रोड्यूस करनी है मैंने कहा उन दिनों हमारे साथ साधना जी थी आशा पारा जी थी सायरा जी आई थी मैंने कहा किसी एक को ले ले तो बना तो तो ले कह लगा मैं कहानी वो बुलाऊँगा भरोसे की मैंने कहा इसमें हीरोइन नहीं है पिक्चर बिकेगी कैसे कह यार जो होगा देखे हुए मैंने कहा चल सरसरोशी की तमन्ना है तो चल रूखी सूखी खाएंगे और इसको बनाएंगे फिर केवल जी और यशराम शर्मा पहले महा जी से मिलने भगत सिंह जी की माता जी को मिलने पंजाब गए फिर लुधियाना के एक हमारे प्रिय मित्र थे राज सोनी साहब उन्होंने हमें लुधियाना जेल की फैसिलिटी दिलवा दी यही था कि मेरे घर वाले भी कहते थे कि भगत सिंह हु इज इंटरेस्टेड इन भगत सिंह कौन देखेगा मैं उनकी माताजी से मिला बहुत माता माताजी ने मुझे देख के सर से पांव तक टटोला और अपने भगत सिंह के जो छोटे भाई थे जी कुलतार सिंह उनसे कहा कि हे हाँ उससे मिलता जुलता है हॉस्पिटल में दवाई नहीं खा रही थी तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप बोलिए तो मेरे बोलने से मैंने कहा माँ जी दवा खा लीजिए तो उन्होंने दवाई खाई अच्छा बहुत प्यार दिया उसके बाद हमको जब अवार्ड मिले तो भी मेरे पिताजी पंजाब में गांव में गए और उनको दिल्ली में लाए इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी शहीद केवल साहब की पहली पिक्चर थी जिसको तीन नेशनल अवार्ड मिले थे और मैंने जो चार पाँच साल रिसर्च की थी मुझे उसका छिला तब मिला जब सरकार ने उसको सही डाक्यूमेंट माना और मैं पहला राइटर हूँ जिसको नेशनल अवार्ड एज ए राइटर मिला स्टोरी राइटर भाई हाल में इंद्रा जी ने पाँव में श्यूएल स्टैंडिंग ओवेशन दस मिनट तक तालियां बजती रही हमको जो कुछ मिला माँ के अर्पण कर दिया फिर संबंध रहा भाइयों से रहा माता जी से रहा एक जिंदगी के कुछ पावन पल जो हैं उनकी चरणों में उनकी सेवाओं में गुजरे शास्त्री जी प्रीमियर पे आए थे तब वो प्रधानमंत्री थे और 1965 की जंग के बाद दिसंबर में पिक्चर देख के वो उस रॉ में बह गए थे भावनाओं में बह गए थे तो सुबह उन्होंने सात बजे चाय पे बुलाया और शाबाश और दी पी और पीठ थपथपाई थव थव और फिर एक अजीब से मूड में चले गए और मेरी आंखों में देखा कहने लगे मैंने नारा दिया जय जवान जय किसान क्या इस पे फिल्म बन सकती है स्पॉन्टेनियसली मेरे हाथ उनके पाँव पे चले गए मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद है बनेगी बहुत बार कह चुका हूँ कि मैंने कहा पेन दे दो डायरी ले कर दे दो मैंने ट्रेन में चौबीस घंटे में कहानी लिख ली और प्रेरणा होती है इन लोगों ने प्रेरणा दी थी तो सात आठ दिन में स्टोरी हो गई थी स्क्रीन पे डायलाइ लिखे गए तो उसमें पहले नाम जैसे आमतौर पे हीरो का नाम राम शंकर ऐसा रखा जाता है कि गुड करेक्टर मैंने भी राम रखा था रामू फिर मैंने सोचा कि किसानों का देश है भारत तो गांव में बसता है तो मैंने उसका नाम भारत रख दिया अब वो हमारी जनता जनार्दन भी इतनी सखी हाथम है कि उनको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो फूलों की आशीर्वाद की प्यार की स्नेह की बरसात कर देते उसने जनता जनार्दन ने मुझे भारत बना दिया मैंने इसे सोच के भारत नाम नहीं रखा था उस वक्त एक पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये था कि लोग गांव से शहर भाग रहे थे खेत सूने हो रहे थे उस वक्त आबादी चालीस करोड़ थी तो किसके लिए शहर भाग रहे हैं दाल रोटी के लिए अब दाल रोटी पैसों से तो नहीं मिल जाएगी मिलेगी तो खेतों से वो जो छोटा भाई खेत छोड़ के ग्लैमर तक हो जाता है शहर के लिए उसको वापस खेतों में लाना था और नारा था जय जवान जय किसान उसी किसान को जो आपको अन्य देता है वो देश की रक्षा कैसे करता है उस पर बेस हुई और अपने आप में एक इतिहास बन गई उपकार अगर आप किसान की जिंदगी मैंने सिर्फ दिन सुबह से लेके शाम तक नहीं मैंने रात की भी बताई थी कि रखवाली कैसे करते हैं अब जैसे कि ये मेरे देश की धरती गीत ले लीजिए इसका पहला मुह मुखड़ा था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती जवानों भर लो झोलियाँ खुशी से बोलो बोलियाँ मैंने कहा गोल्डी मारो इस दो लाइनों को नहीं चाहिए मुझे इतना ही चाहिए मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती हाँ एक बात उन्होंने पूछी थी रंग हरा हरी सिंह नलवे से हरी सिंह नलवा कौन है यहाँ वाले नहीं जानते थे तो मैंने बताया मैंने कहा आप समझ लीजिए सुबह रिकॉर्डिंग दस बजे शुरू हुई बरसात का मौसम था बारिश हो रही थी और सुबह तीन चार बजे ख़त्म हुई थी मैंने सोचा कि जब मैं लाहौर से दिल्ली आया तो मैं दिल्ली को मिस करता लाहौर को मिस करता था लाहौर से मुंबई में आया तो मैं दिल्ली से लाहौर मुंबई आया तो मैं दिल्ली को मिस करता हूँ ये जो लोग विदेश चले जाते हैं वो देश को मिस करते होंगे फिर एक कुछ ऐसा मिलता जुलता छोटा सा किस्सा मेरे परिवार में हुआ मेरे ससुराल में वो मेरी पत्नी ने सुनाया उसने एक आइडिया था मेरे को बना के सुनाया जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने पश्चिम को किसी भी सीन में बुरा नहीं बताया एक दूसरे की अच्छी चीज़ें अपनाना अच्छी बात है लेकिन कॉम्प्लेक्स में आके अपने संस्कारों को मर्यादा को अपनी जड़ों को भूल जाना ये गलत है तो प्रेम धवन साहब ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है गीत में कि जिस जगह पैदा हुए उस जगह निकले दम आखिर में तो मट्टी खाँचती है तो ये है कि आप वहाँ पढ़ाई के लिए गए हैं भारत में विज्ञान को पीछे रख दिया गया क्योंकि मुगलों का शासन रहा अंग्रेजों का रहा हमारे यहाँ ज्ञान था और जो ये विज्ञान है आज का वो ज्ञान में है हमारा ज्ञान जो है वो विज्ञान से नहीं है विज्ञान हमारे ज्ञान से है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ और उसकी पहली चार लाइनें जो शुरू होती हैं उस पर किसी ने गौर नहीं किया भारत दिल है उस पूरब का जिस पूरब ने हर ज्ञान दिया दिए बुद्ध मोहम्मद और ईसा गीता बाइबल कुरान दिया मैंने बहुत कम फिल्मों में काम किया शायद पचास भी नहीं हुई लेकिन मैंने हर तरह का करैक्टर किया है का किया सन्यासी का किया है पहचान में गंगाराम का किया दस नंबरी किया है दो बदन में दो बदन में अंधे लवर का किया है पत्थर के सनम में एक रोमांटिक छेड़छाड़ वाला हीरो किया है ये, वो कौन थी मैं एक हॉन्टेड डॉक्टर और गुमनाम में एक श्रूड सी आई डी वाला आदमी हिमालय की गोद में एक आदर्शवादी डॉक्टर तो कोई ऐसा रोल नहीं जो मैंने ना किया हो और कोई ज़्यादा काम करने के लिए मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि हम अच्छी गाड़ी में घूमते हैं अच्छे मकानों में रहते हैं बंगलों में फ़्लैटों में हमारे बच्चों को सभी सहूलतें मिलती हैं लेकिन ये पैसा कहाँ से आता है सरकार तो टैक्स में ले जाती है सरकार तो कुछ देती नहीं है तो पैसा देता कौन है ये जनता जनार्दन, ये हाथ गाड़ी चलाने वाला ये साइकिल रिक्शा चलाने वाला एक वक्त के पेट का काट डालेंगे रोटी नहीं खाएंगे मगर फिल्म देख लेंगे तो एक नागरिक का एक फिल्म मैन का ये कर्तव्य बनता है कि उसको कुछ अलग नई चीज़ दे जो वो कहे कि हाँ भाई हाँ उसको एक अंदर से तसली हो शोर मैंने मनाई एक दिन कोई छः सात साल हुए पाँच साल मेरे सर्वर ने मुझे रात को जगाया साहब 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 देखिए शोर आ रही है ऐसे मेरी आँख खुल गई मैंने देखा मैंने डी डी पे मैंने कब दिया क्या ये साइकिल के शॉट वैसे तो पता लगा उसमें कि ईरानियन फिल्म डायरेक्टर ने फिल्म बनाई द वो मेरा एक सीक्वेंस था कि बच्चे के लिए मैं साइकिल चलाता हूँ तो उन्होंने फिल्म बनाई कि बीवी के लिए पैसे चाहिए बीमारी के लिए तो साइकिल चलाते हैं और उस फिल्म की हमारे मीडिया ने बहुत तारीफ की और उस फिल्म में अवार्ड भी बहुत जीते हैं और मेरी शोर को मीडिया ने बड़ा कंडम किया मेरी हर फिल्म को कंडम किया गया लेकिन उसके 20-25 साल बाद पूछते हैं कि साहब वो कमाल पिक्चर थी आजकल न्यूज़पेपर क्या कहते हैं आज आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं मुसाफिरों से बात होती है तो अपने स्टाफ से बात होती है क्या उनका मूड क्या है बिटर है स्वीट है क्या प्रॉब्लम्स हैं तो मैंने नावल तो कभी पढ़ा नहीं और मैंने ना किसी हिंदी या ना किसी इंग्लिश पिक्चर की कॉपी की है हाँ और जिन्होंने की भी है उन्होंने अवार्ड भी वसूल किए लेकिन मैंने ये अच्छी थी फिल्म या बुरी थी माई सिनेमा इज माई सिनेमा तो लगा कि एक ज़रा हट के भी फिल्म हो जाए एक आइडिया आ गया था आइडिया कैसे आया था दिल्ली में, में मेरा एक छोटा सा खेत था जिसको बगैर हमसे पूछे हुए सरकार ने छीन लिया हमारा सारे नेम गोस्वामी है गोस्वामी का गाय से कोई संबंध नहीं है गोस्वामी का मतलब है भूमि के मालिक वो हमसे वो ज़मीन छीन ली गई तो मतलब मैं तो गोस्वामी भी ना रहा भूमि अधीन हो गया मेरा तो भूमि भी छीन ली बगैर पूछे और वो कानून भी वो जो अठारह में अंग्रेज़ों ने बनाया था हमारे लीडरों को ये भी नहीं पता कि कौन सा कानून कब बना था कब नहीं बना था दिल दुखता है चोट पड़ती है तो आवाज़ के जख्म से खून टपकता है इस शहर में लेकिन देश की हवा या देश की मिट्टी राजनेताओं से अलग है मैं नमन करता हूँ इस मिट्टी का मैं इन हवाओं का इस परंपरा का इस मर्यादा का नेताओं का नमन नहीं करता मैं किसान का कर लूँगा देश के सीमा पे रक्षा करते हुए जवान का नमन कर लूँगा और किसी का नहीं करूँगा रोटी कपड़ा मकान का, का आइडिया आया मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में एक लड़के को बीए की डिग्री मिली उसने लेके वहीं फाड़ दी कि ये, ये यूजलेस है ये हमको नौकरी सिक्योर नहीं करती वो मेरे दिल को टच कर गई थी जो सीन उस फिल्म में है उस बुनियाद उसने प्रेरणा उस सीन ने दी थी आप उन हालात से नहीं गुजरे जिन हालात से मैं गुजरा हूँ कुछ चीज़ें अपनी ज़ाती ज़िंदगी से भी मिल जाती हैं किसी को मिलना हो और बारिश से आपके कपड़े भीग जाएं तो बड़ी शर्म आती जा मिलते हुए और यहाँ ट्रेजिडी ये थी कि उस पात्र ने इंटरव्यू के लिए जाना था इसलिए वो बारिश में बाहर आके उसके साथ लिपट नहीं जाता कि मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे द ट्रेजिडी ऑफ ए मैन उसमें गाना रोमांटिक था लेकिन दर्द भी था लिरिक्स वाइज तो और नहीं बस और नहीं था बहुत गहरा वैसे मीनिंगफुल गाना और स्वीट गाना मैं ना भूलूँगा हाँ जनता पसंद तेरी दे दो टकिया नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए लोगों को आइडेंटिफिकेशन लगी कि उनको ये पता लगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे कितना जुल्म किया बाकी जो है फिल्म की कहानी में अगर आदमी आइडेंटिफिकेशन देख ले और उसकी रवानी उसका प्रजेंटेशन ठीक हो इमोशंस हो म्यूज़िक हो वो फिल्म हिट हो जाएगी बहुत बड़ी हिट थी फिल्म अपने ज़माने की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और ये दिलीप कुमार साहब की सेकंड इनिंग की बिगनिंग थी क्रांति की ख़ास बात उसकी कहानी और देशवासियों को ये याद दिलाना कि हमारे भूतकाल में हम पे क्या क्या जुल्म हुए और वो अच्छी तरह इमोशनली बताए गए सबसे स्कोरिंग पॉइंट वो था बड़ी स्टार कास्ट को हिट फिल्म की गारंटी नहीं है बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्में बनी जो फ्लॉप हो गई फिल्म जिस देखिए अनाज उसी खेत में उगेगा जिसकी जमीन उपजाऊ हो आपकी स्टोरी का आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जिस पे आप फिल्म बना सकें मेरा सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट था जिसमें सारे पात्रों के नाम बदल दिए गए सोलह रुपये के जमा करवा के एक संस्था रजिस्टर हो जाती है वो आपको इतना तंग करके निचोड़ सकती है कि आपका दम घुट जाए इसलिए मैंने सोचा कि धर्म के प्रति इनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है ये सच सुनना बर्दाश्त नहीं करते मेरा गाना था कलयुग की सीता कलयुग की सीता मिलने जज को चली नौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली इसमें सीता मैया और इसका क्या ताल्लुक हो गया कलयुग की रामायण थी कलयुग की रामायण का उस रामायण से क्या संबंध होगा? मगर इन नकल के अंधों को कौन समझाए भैंस के आगे बीन कौन बजाए पत्थर पे पानी कौन डाले चलो मैंने कलयुग की रामायण चुना था कि आज का राम क्या कर रहा है आज का लक्ष्मण क्या कर रहा है आज की सीता क्या कर रही है मेरा सवाल वो था कि माँ बाप को कोई हक नहीं कि अपनी संतान का नाम पीर पैगंबरों, देवी देवताओं अवतारों पर रखे अगर रखे तो उनमें वो संस्कार डालें जो उनको पसंद नहीं आया उन्होंने नाम बदलवा दिए नहीं लोग आज भी आते हैं कई उसके सीन सुनाते हैं लेकिन उसमें एक ये हुआ कि पाकिस्तान के स्टार्स आए हैं शायद कोई इंडो पाकिस्तान की बात हो वो नहीं हुआ वी वीडियो नया आ गया था कोई जाता नहीं था हॉल में और मेरा उसका क्लाइमेक्स आर्टिफिशियल था और तीसरा डिग्लैमराइज बताया था क्लर्क को मैंने अपने आप को हीरो बेकार भी हो गरीब भी हो तो फिर भी उसमें कुछ ग्लोरी ढूंढते हैं जो नहीं थी उसमें

पब्लिक की देना है ये पब्लिक जाने मैं क्या जा रहा हूँ